फिल्म की शुरुआत में हम एक सुनसान जगह पर टीवी चलता हुआ देखते हैं, जहाँ एक टीवी होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। ये लड़की हाल ही में होने वाले एक मैसेकर यानी एक कत्ले आम में जिंदा बच गई थी। दरअसल कुछ वक्त पहले ही एक कत्ले आम शुरू हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। सबको मारने वाला एक जोकर था, एक पागल जोकर जो किसी को भी बगैर किसी वजह के मार दिया करता था, आम तरीके से नहीं बल्कि काफी बुरी तरह। इस जोकर का नाम था आर्ट दी क्लाउन, जिसे हम आर्ट कहेंगे। अब ये लड़की बच तो गई थी, मगर आर्ट ने इसकी शक्ल का बुरा हाल कर दिया था, उसके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया था। अब जो टीवी हम देख रहे थे जिसमें ये इंटरव्यू चल रहा था, ये आर्ट का था, क्योंकि वो भी ये सब देख रहा था तो वो ठोकर मारकर टीवी को तोड़ देता है, जिसके बाद वो दोबारा से लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए पहले वो अपना जोकर वाला मेकअप करता है और बाद में अपने खतरनाक हथियार उठाता है। टीवी होस्ट इंटरव्यू के बाद अपने दोस्त से फोन पर बातें करने लगती है। वो बता रही थी कि जो लड़की आज आई थी वो बहुत ही बदसूरत थी, उसका ये कहना ही था तभी उसे अपने पीछे हलचल होती हुई महसूस होती है। वो चेक करने जाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर तभी अचानक से वो इंटरव्यू वाली लड़की आती है और उस होस्ट की आंखों में उंगलियां घुसा कर उसकी आंखें फोड़ देती है। फिर वो उसके चेहरे का ही हुलिया बिगाड़ कर उसे जान से मार डालती है। उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उस जोकर यानी आर्ट ने जब से उस पर हमला किया था तो वो बिल्कुल पागल हो गई थी। अब हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थी। इनमें एक लड़की का नाम तारा होता है। ये एक पार्टी से वापस लौट रही होती हैं और वो पार्टी थी हेलोवीन पार्टी। तो जाहिर है आज रात है हेलोवीन की रात। हेलोवीन दरअसल एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अलग अलग तरह के कपड़े और मास्क लगा के फिरते हैं और आर्ट भी हेलोवीन पर ही निकलता है एक के बाद एक शिकार करने के लिए। जब ये दोनों बातें कर रही थी तो आर्ट भी इनके पास से गुजर रहा था, जिसकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है। उसे देख तारा की दोस्त उसे मजाक करने लगती है, मगर अगले ही पल वो गायब हो जाता है। वो अब एक पिज्जा की दुकान पर आती है जहाँ आर्ट भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। अंदर आते ही वो तारा को घूरने लगता है। ये चीज तारा को काफी अजीब लगती है, मगर उसकी दोस्त तो जाकर आर्ट के साथ तस्वीरें बनाने लगती। अब ये चीज भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। आर्ट एक मशीन से अंगूठी निकाल कर तारा को पहना देता है, जिससे तारा को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी दोस्त को तो ये चीज भी काफी अच्छी लगती। अब वो वॉशरूम में जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिससे आकर दुकान का मालिक उसे यहाँ से निकाल देता है। कुछ देर बाद वो दोनों भी वहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगे, मगर देखते हैं कि गाड़ी का टायर तो पंचर है। अब तारा फौरन अपनी बहन जिसका नाम विक्टोरिया था उसे कॉल करके यहाँ बुला लेती है मदद के लिए। फिर वो अपनी दोस्त को कहती है कि मुझे वो जोकर ठीक नहीं लग रहा था और क्या पता टायर उसी ने पंचर किया हो, क्योंकि उसने हमारी गाड़ी देख ली थी। उधर आर्ट ने दुकान के मालिक को काफी बुरी तरह मार कर उसके चेहरे पर आग लगा दी होती है, जिसके बाद वो दूसरे वर्कर को भी पकड़ कर उस पर भी हमला कर देता है। वो उसे भी मार कर उसके चेहरे की जिल्दी निकाल देता है। उधर तारा को वॉशरूम जाना था, मगर यहाँ आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। तब उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर पड़ती है, जहाँ से गार्ड बाहर आता है। तारा उसके पास जाकर यहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगती है, मगर वो इनकार कर देता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जिस पर तारा कहती है कि इतनी रात हो गई है, किसी को क्या पता चलेगा कि आपका वॉशरूम इस्तेमाल हुआ है। अब थोड़ा और कहने पर वो मान जाता है और उसे अंदर ले आता है। वो उसे वॉशरूम के पास छोड़कर चला जाता है। गाड़ी में बैठी तारा की दोस्त को खबरों से पता चलता है कि पिज्जा शॉप की मालिक और एक वर्कर की मौत हो गई है और उन्हें मारने वाला एक जोकर जैसा दिखने वाला आदमी है, जिसने अपने हाथ में एक बैग भी पकड़ा हुआ था। अब ये जानकर वो समझ जाती है कि ये काम उसी जोकर आर्ट का है। तभी गाड़ी में तारा आकर बैठ जाती है और जब वो इस सब के बारे में उसे बताने के लिए तारा की तरफ देखती है तो पता चलता है कि तारा नहीं बल्कि आर्ट है। तारा जब गाड़ी की तरफ वापस आ रही थी तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो चेक करने जाती है मगर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी अचानक से पीछे एक औरत आ जाती है, जिसे अचानक देखकर तारा घबरा जाती है। औरत ने हाथ में एक गुड़िया पकड़ी हुई थी, जिसे वो अपने बेटे कह रही थी। दरअसल इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, ये पागल थी। अब तारा उसी बातों में उलझाकर आगे बढ़ती है, जहाँ एक बार फिर उसका सामना होता है आर्ट दी क्लाउन से, जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वो एकदम शांत खड़ा था। मगर फिर अगले ही पल वो तारा को डरा देता है तो वो यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक गाड़ी के पीछे आकर छुप जाती है। आर्ट भी उसे ढूंढने के लिए यहाँ आता है, मगर जब वो नहीं मिलती तो वो चला जाता है। तारा को लगता है कि अब सब ठीक है तो वो यहाँ से निकलने लगती है, मगर तभी पीछे से आर्ट उस पर हमला कर देता है और अपने कुजार से उस पर कई बार वार करता है। फिर वो उसका गला घोटकर उसे मारने ही वाला था, मगर तभी तारा के हाथ एक नोकदार चीज लग जाती है, जिससे वो आर्ट पर हमला करके यहाँ से भाग जाती। अब यहाँ का दरवाजा बंद था, जिसे वो नहीं खोल पाती, इसीलिए वो इधर ही छुप जाती है। तब आर्ट भी यहाँ आता है तो वो कोई चीज फेंक कर उसका
उसका ध्यान भटकाती है और दूसरी तरफ भेज देती है। अब वो दोबारा से निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि आर्ट ने तो यहाँ का मेन दरवाजा भी बंद कर दिया है। वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर आती है तो सामने एक जगह पर वो गार्ड को खड़ा हुआ पाती है। वो उसे काफी आवाजें लगाती है मगर वो नहीं सुनता क्योंकि उस वक्त वो गाने सुनने में मगन होता है। अब उसकी आवाज सुनकर आर्ट वहाँ आ जाता है और पीछे से उसे पकड़कर गले में इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब तारा को होश आती है तो वो खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। उसके मुंह पर भी टेप लगी हुई थी। उसके पास ही में आर्ट भी बैठा होता है और जब वो देखता है कि तारा को होश आ गई है तो वो उसे अपने हथियारों से डराने लगता। फिर वो लाता है एक आरी और सामने का पर्दा हटाता है जहां उसने तारा की दोस्त को उल्टा लटकाया हुआ था क्योंकि गाड़ी में जब वो उसके साथ आकर बैठा था तो उसने तभी उसे पकड़ लिया था। वो यहां रहमी की सारी हदें ही पार कर देता है। वो आरी से उसका पेट ही काट कर दो हिस्सों में बांट देता है। अपने दोस्त का इतना बुरा हाल देखकर तारा की तबीयत भी खराब होने लगती है मगर फिर वो हिम्मत करती है और काफी कोशिश करने के बाद खुद को छुड़वा लेती है। वो उसी के हथियार से आर्ट पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। आर्ट भी उसके पीछे पीछे जाकर ढूंढने लगता है मगर वो पीछे से आकर एक बार फिर उस पर हमला कर देती है। वो उसे काफी देर तक मारती रहती है। अब जब गेम उल्टी पड़ रही थी यानी तारा उस पर भारी पड़ रही थी तो वो यहाँ पर बेईमानी करता है। वो हाथों से नहीं लड़ता, वो करता है गन का इस्तेमाल। वो गोली पहले उसकी टांग पर मारता है और बाद में उसके चेहरे पर, जिससे वो काफी जख्मी और अधमरी हो गई थी। अब गन में गोलियाँ खत्म हो गई थी इसलिए जब वो गोलियाँ लेने जाता है तो यहाँ उसे तारा का मोबाइल मिलता है जिस पर तारा की बहन विक्टोरिया का मैसेज आया होता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर आ गई हूँ। तब आर्ट तारा बन के मैसेज करता है और पीछे के दरवाजे से अंदर आने का कहता है। ऐसा करने के बाद वो तारा दोस्त की लाश के साथ तस्वीर बनाता है और लाश की हालत का हम बड़ा ही बुरा हाल देखते हैं। पूरी चिरी हुई, दो हिस्सों में बटी हुई। अब वो जाता है तारा के पास और उस पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मार डालता है। वो पागल औरत भी यहीं खड़ी हुई थी और उसे ऐसा करता हुआ देख रही थी। ये सब देखकर वो जाती है गार्ड के पास और उसे सारी सूरतेहाल समझाने की कोशिश करती है मगर वो उसकी बातों का यकीन नहीं करता। फिर वो नीचे जाकर किसी को फोन करने लगता है मगर तभी यहाँ आर्ट आकर हथौड़ी से उस पर हमला कर देता है। पागल औरत देखती कि उसका बच्चा जो वो गुड़िया थी वो गायब है मगर अगले ही पल उसे आर्ट दिखता है जिसके हाथ में वो अपने बच्चे को देखती है। वो उसके पास जाकर पूछती है, क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है, जरा भी ममता नहीं है, तुम्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता। ये कहकर वो आर्ट को अपने साथ लगा लेती है जैसे वो कोई बच्चा हो और वो भी बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो सचमुच का बच्चा ही हो। विक्टोरिया भी अंदर आ गई थी और वो तारा को फोन करती है तो बेल की आवाज जब अंदर से आती है तो वो वहाँ चेक करने जाती है। अंदर आकर तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ वो तारा की दोस्त की कटी हुई लाश देखती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। विक्टोरिया समझती है कि ये तारा है इसीलिए वो चेक करने जब नीचे जाती है तो वहाँ एक औरत को जमीन पर देखती है जो रेंग रही थी क्योंकि काफी जख्मी थी। वो तारा समझकर उसके पास जाती है मगर तभी उसकी नजर वहाँ पड़ी उस पागल औरत पर जाती है। वो भी काफी जख्मी थी क्योंकि आर्ट ने उसके सीने और सर को काट के बुरा हाल कर दिया था। उसकी हालत बस मरने ही वाली थी। अब यहाँ सवाल ये आता है कि पागल औरत तो इधर ही है तो ये कौन है जो विक्टोरिया के सामने पड़ी हुई है अपना सर नीचे करके। और फिर तभी हम जान पाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि आर्ट है जो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए यहाँ औरत का भेस बनाकर लेटा हुआ था। वो उस पर भी हमला कर देता है मगर विक्टोरिया जैसी तैसी करके अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। वो ऊपर जाकर एक अलमारी में छुप जाती है। तभी यहाँ आर्ट भी आ जाता है जो ये जान चुका था कि वो अलमारी में छुपी है मगर इससे पहले वो विक्टोरिया के साथ कुछ करता उसे हॉर्न की आवाज आती है जिसे चेक करने के लिए वो यहाँ से निकल जाता है। बाहर दरअसल आया था उस गार्ड का साथी जिसे अंदर आना था। वो कारपेट हटाता है तो वहाँ चाबी पड़ी हुई थी। तब दरवाजा खोलकर वो अंदर आ जाता है। वहाँ उसे खून के निशान दिखते हैं जो जाहिर है काफी अजीब था मगर इससे पहले वो कुछ समझ पाता आर्ट पीछे से आकर एक नोकदार चीज से उसके सर पर वार कर देता है। फिर वो उसका गला काटकर धड़ से ही अलग कर देता है। विक्टोरिया यहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर कोई भी फायदा नहीं होता। वो अपने सामने आर्ट को देखती है जो छोटे बच्चे की साइकिल चला रहा था मगर अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो जाता है और वो साइकिल वहीं पर गिर जाती है। वो उसे बचते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर पीछे से आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है। वो शॉपर से उसका दम घोटकर मारने ही वाला था मगर वो बच जाती है। फिर वो एक नोकदार चीज उठाकर आर्ट के पैर में मारती है और यहाँ से भाग जाती है। वो सीधा आती है अपनी बहन तारा के पास और उसका
का इतना बुरा हाल देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। वो अभी उधर बैठी ही थी कि तभी यहाँ आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है। बार बार वार करके वो उसे काफी मारता है, मगर तभी पीछे से गार्ड आकर आर्ट को मारकर बेहोश कर देता है। जी हाँ, गार्ड, क्योंकि वो अभी जिंदा था। वो विक्टोरिया को लेकर एक कमरे में आता है और पुलिस को इस बारे में बताने लगता है। इस बीच वो देखता है कि विक्टोरिया की हालत काफी खराब है। वो उसे अब इमरजेंसी कमरे की तरफ ले जाने लगता है। तभी यहाँ आर्ट एक बार फिर से आकर गार्ड पर हमला कर देता है। वो पहले सिलेंडर से उसे मारता है और बाद में अपने पैर से उसका चेहरा ही कुचल देता है। अब घबराहट के आलम में विक्टोरिया एक लोहे की पाइप से ताला तोड़ने की कोशिश करती है जो आर्ट ने यहाँ पर लगाए थे। ताला टूट तो जाता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि आर्ट उसके काफी करीब आ गया था और फुरनी उसे पकड़कर मारने लगता है। मगर तभी विक्टोरिया उसकी आंख में एक चीज घुसाकर यहाँ से भाग जाती है। वो भागकर एक गैराज में आती है, मगर आर्ट इधर भी पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ था इसीलिए वो अंदर नहीं आ पाता। अब इतनी ही देर में पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन इससे पहले विक्टोरिया पुलिस के पास जाती आर्ट गाड़ी से गैराज का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। अब क्योंकि वो गाड़ी से टकरा गई थी इसीलिए बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर जब तक पुलिस यहाँ आती है तो तब आर्ट विक्टोरिया का चेहरा नोच नोच कर खा रहा था। अब पुलिस आर्ट को सरेंडर यानी हथियार डालने का बोलती है, मगर वो अपने मुँह में गन रख कर खुद को ही गोली मार लेता है। अब पुलिस को पता चलता है कि विक्टोरिया मरी नहीं है बल्कि अभी वो जिंदा है, बस काफी जख्मी है। इसके बाद सबकी लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब डॉक्टर आर्ट की लाश को देखता है तो उसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि मरने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। तभी यहाँ बिजली खराब होने लगती है और आर्ट उठ जाता है, उस डॉक्टर को गले से पकड़ लेता है क्योंकि वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। इसका मतलब ये था कि अब वो लोगों को मारने का सिलसिला अब इस हॉस्पिटल से करेगा। अब कुछ वक्त गुजरता है और हम विक्टोरिया को देखते हैं जो आखिरकार आर्ट का शिकार होने से बच गई। कल उसे इंटरव्यू के लिए भी जाना है और उन्हीं बाद हम उसका चेहरा देखते हैं जो काफी भयानक दिख रहा था, जो बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसा इंटरव्यू वाली लड़की का था। अब यहाँ ये राज खुलता है कि विक्टोरिया ही असल में वो लड़की है जो शुरुआत में इंटरव्यू दे रही थी, जिसके बारे में कहा था कि एक मैसे घर में बची है और एक जोकर ने ही सभी को मारा था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आर्ट ने अपने सर पर गोली मारी थी मगर वो नहीं मरा, आखिर क्यों? क्योंकि दरअसल अभी तक जितने भी लोगों ने उसे मारने की कोशिश की उन सबको ही मौत के घाट उतरना पड़ा। अब यहाँ ये चीज क्लियर नहीं हुई कि क्या उसे मारा जा सकता है या नहीं, हो सकता है कि उसे मारा जा भी सकता हो। तो अब ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम आर्ट को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं जब उसने डॉक्टर को पकड़ लिया था। वो डॉक्टर को मारकर काफी जख्मी कर देता है और लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ था। डॉक्टर खून में लथपथ था और वो रेंगता हुआ बाहर आता है और पुलिस को कॉल कर देता है, मगर उस बेचारे की तो आवाज ही नहीं निकलती क्योंकि आर्ट ने उसके गले पर वार किया था। उसे और दर्द देने के लिए वो उसकी आंख निकाल कर पहले उसके साथ खेलता है और बाद में उसे अपनी फूटी हुई आंख की जगह लगा लेता है। अब वो उसे और मारता है और आखिरकार उसका सर ही चीर कर उसे बड़ी भयानक मौत देता है। अब वो जाता है एक लॉन्ड्री में जहाँ एक आदमी सो रहा था, वो अपने कपड़े धोने के लिए मशीन में डालता है और फिर तभी यहाँ वो एक अजीब सी बच्ची को देखता है जो बिल्कुल उसकी तरह ही पागल और हद से ज्यादा अजीब थी, बिल्कुल आर्ट जैसी ही हरकतें कर रही थी और तो और उसने अपना मेकअप भी आर्ट जैसा ही किया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। तभी वो आदमी जाग जाता है और देखता है कि आर्ट अकेला ही तालियां बजा रहा है, मतलब कि वो बच्ची सिर्फ आर्ट को ही दिखाई दे रही। अब आर्ट अपने कपड़े पहनकर यहाँ से जाने लगता है जहाँ उसने उस आदमी को भी मार दिया होता है उसके सर में चाकू घुसाकर। इसके बाद हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम सियाना है। वो अपने लिए एक खास किस्म का परियों वाला सूट बना रही थी क्योंकि कल ही है हेलोवीन। अब सियाना अपने मोम और भाई के साथ खाना खा रही थी जहाँ उसका भाई कहता है कि मैं कल हेलोवीन में आर्ट जैसे कपड़े पहनूंगा, जिस पर सियाना और उसकी मोम मना कर देती है कि नहीं, आर्ट अच्छा जोकर नहीं है, उसने पिछले साल 9 से 10 लोगों की जान ली थी बड़ी बेरहमी से। खाना खाने के बाद सियाना अपनी मोम से अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है कि वो काफी अजीब होता जा रहा है। साथ ही इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सियाना के डैड अब नहीं रहे। सियाना का भाई इंटरनेट पर आर्ट के बारे में सर्च कर रहा था और जितने लोगों को उसने मारा था वो सबके बारे में बड़े गौर से पढ़ रहा था। इसके बाद वो अपनी बहन सियाना के पास आता है और पूछता है कि क्या वो जोकर आर्ट अभी होगा, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी, जिस पर वो कहती है आर्ट मर चुका है और अगर ना भी मरा हुआ तो कम अज कम वो
यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद सियाना एक टीवी शो देखते देखते सो जाती है। जहाँ वो जैसे सपना देखती है तो फौरन ही वो उस टीवी शो में पहुँच जाती है। इधर वो भी किसी बच्चे की तरह ही बनी हुई थी और उसके साथ वाले सारे बच्चे काफी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीज नाम की एक चीज खा रहा था, जो कोई खाने के लायक चीज नहीं थी, बल्कि उसमें डाले हुए थे टूटे कांच के टुकड़े, प्लेट्स और कीड़े मकोड़े। फौरन ही वहाँ पर आ जाता है आर्ट दी क्लाउन और सबको गिफ्ट देने लगता है। लेकिन वो सियाना को बड़ी ही गंदी चीज देता है, एक बर्तन जिसमें धड़कते हुए दिल के साथ कुछ सांप और गोश्त था, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है। फिर वो अपने बैग से बंदूक निकाल कर अंधाधुन गोलियां चलाकर सभी बच्चों को मार देता है। इस बीच सियाना भी जख्मी हो गई थी मगर जिंदा थी। वो आगे बढ़ती है तो आर्ट उस पर आग फेंकता है, तो वो एक बॉक्स में से तलवार निकाल कर आगे कर देती है, जिससे आग उसका कुछ भी गाड़ नहीं पाती। असल में ये तलवार काफी ताकतवर थी, जो सियाना को उसके डैड ने दी थी। अब इतना भयानक सपना देखकर वो डरते हुए अचानक से जाग जाती है और देखती है कि सच में उसके सामने वाले टेबल और टीवी पर आग लग चुकी है। तब उसकी मॉम जल्दी से यहाँ आकर आग बुझाती है। सब कुछ नॉर्मल होता है तो सियाना की मॉम उससे पूछती है कि तुमने जलती हुई मोमबत्तियाँ टेबल पर क्यों छोड़ी, जिस पर वो कहती है मोम मैंने तो मोमबत्तियों को जलाया तक नहीं था। सियाना अपने कमरे में जाकर उस तलवार को देखती है, जहाँ वो बिल्कुल ठीक पड़ी थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उधर आर्ट हेलोवीन की तैयारी कर रहा था, मतलब वो तेज धार हथियार बना रहा था मैसेकर करने के लिए। वो अजीब बच्ची जो उसके साथ ही टीवी चलाती है और वही शो देखने लगती है जिसमें टीवी होस्ट विक्टोरिया का इंटरव्यू ले रही थी, जिसके बाद हमने देखा था कि आर्ट ने ठोकर मारकर टीवी तोड़ दिया था। तो यहाँ भी वो ऐसे ही करता है, क्योंकि ये वही सीन है। स्कूल में सियाना का भाई और उसके दोस्त एक मरे हुए चूहे को देख रहे थे, तभी यहाँ टीचर आती है और तीनों को डांट कर क्लास में जाने का कहती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सियाना का भाई नीचे आता है तो वो अपने सामने पाता है आर्ट और उस अजीब बच्ची को, जो उस मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर वो डरने लगता है, तभी उन दोनों की नजर भी उस पर पड़ जाती है, जो देख डरते हुए वो यहाँ से भागने लगता है। मगर रास्ते में ही एक टीचर उसे देख लेती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकता। तब चेक करने के लिए वो टीचर जब अंदर आती है तो जमीन पर मरे हुए चूहे को देखती है, जो देख उसी लगता है कि ये काम जरूर सियाना के भाई का ही है। सियाना को हम अपने दोस्तों से बातें करते हुए देखते हैं, जहां वो आर्ट की बातें कर रही थी और ये भी कि उस भयानक दिखने वाली विक्टोरिया ने टीवी होस्ट की आंखें फोड़ दी। अब ये सारी बातें सुनकर सियाना को काफी अजीब सा महसूस होने लगता है और वो यहां से उठकर चली जाती है। उसकी दोस्तें भी उसके पास आकर पूछती हैं कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, जो सुन सियाना उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है। साथ ही वो काफी डरी हुई Candles burning. अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ हेलोवीन की शॉपिंग करने चली जाती है। उसकी दोस्त को कॉल आ जाती है, जो सुने वो बाहर चली गई थी। तब बदकिस्मती से वहाँ आ जाता है आर्ट दी क्लाउन। तब सियाना उसे बचते हुए ऊपर चली जाती है और कुछ खरीदने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन मुसीबत वो अपना बैग तो नीचे ही भूल गई थी, जिसमें पैसे रखे थे। तब पलक झपकते ही आर्ट उसका बैग लेकर आता है तो वो पैसे देती है, लेकिन यहाँ आर्ट उसे परेशान करने का, तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मगर सियाना अभी भी इस सोच में है कि ये सच में आर्ट ही है या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। पर इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आर्ट दुकान बंद कर देता है, मतलब वो टैग जिस पर दुकान खुली लिखा था वो उसे पलट कर बंद की तरफ कर देता है। इसके बाद वो अपने लिए एक छोटा सा बाजा खरीदता है, मगर पैसे देने की बजाय वो अपने हथियार बाहर निकालने लगता है, जो देख दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वो आर्ट को बातें सुनाने लगता है। तब उसका मुंह बंद करने के लिए आर्ट पहले उसके सर पर बोतल से मारता है और बाद में उसकी आंख में एक मोटी चीज घुसा देता है। इस सबसे भी जब उसका दिल नहीं भरता तो पहले वो बड़े सी चाकू से उसके सर पर वार करता है और बाद में उसके गले पर मार कर जिस्म से ही अलग कर देता है। सियाना जब घर आती है तो उसका भाई उसे आर्ट के बारे में बताता है कि आज मैंने उसे अपने स्कूल में देखा। वो सियाना को अपने डैड की एक किताब दिखाता है, जिसमें उस बच्ची की खबर छिपी हुई थी कि 10 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उसमें आर्ट के ड्राइंग के अलावा उन सब की भी थी जो उस मैसेकर में मारे गए थे, और इन सब के अलावा एक लड़की की भी ड्राइंग थी जिसने परियों जैसे कपड़े पहने हुए थे और हाथ में आर्ट का सर पकड़ा हुआ था। उसका भाई सियाना को कहता है कि यही वो लड़की है जो आर्ट को मारेगी, और मुझे यकीन है कि ये और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। मगर सियाना उसकी बातों को यकीन नहीं करती। सियाना की दोस्त जो अपने घर से बाहर आती है तो अपने घर के सामने एक वैन खड़ी हुई देखती है, जिसमें वही अजीब बच्ची बैठी हुई थी। उसे अजीब लगता है, इसीलिए वो दोबारा से अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद आर्ट दरवाजे पर दस्तक देता है और सियाना की दोस्त के बाहर आने पर उसे कहता है कि हेलोवीन की खुशी में मुझे कुछ खाने को दो। वो कहती है कि खाने की चीजें सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बड़ों को कुछ नहीं मिलता। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। मगर जब दोबारा आर्ट दरवाजे पर दस्तक देता है तो
तंग आकर वो उसे खाने की चीजें दे देती है। अब तभी उसकी नजर आर्ट के बैग में जाती है जिसमें कुछ हथियार और औजार थे जिन पर खून लगा हुआ था। उधर सियाना भी हेलोवीन पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। अब जब सियाना की दोस्त अकेली थी तो उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करने जब नीचे आती है तो देखती है कि शीशे का दरवाजा टूटा हुआ है क्योंकि घर में आर्ट घुस आया था और वो यहाँ ऐसे घूम रहा था जैसे घर उसका ही हो। अब जब उसकी नजर सियाना की दोस्त पर पड़ती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो बचने के लिए अपने कमरे में आती है लेकिन आर्ट आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। पहले वो उसके चेहरे पर कट मारता है जिससे उसकी आंख भी कट जाती है, जिसके बाद वो उसके सर की जिल्द काट कर बालों वाले हिस्से को ही अलग कर देता है। बेरहमी उसकी हद से बढ़ जाती है क्योंकि वो चाकू से उसकी पेट को काफी गहरा काट देता है। वो फिर उसकी बाजू ही उसके जिस्म से अलग कर देता है। अभी भी उसका दिल नहीं भरता तो वो अपने हाथों से ही उसके चेहरे की स्किन नोच नोच कर अलग कर देता है। वो उसका बहुत बुरा हाल कर देता है, काफी खून बह रहा था उसका। कुछ वक्त के बाद जब उसकी मॉम घर आती है तो वो ऊपर आकर बड़ा ही भयानक नजारा देखती है कि पूरा कमरा खून से भरा पड़ा है और वो खून है उनकी बेटी का, जहां अब आर्ट उसके बचे हुए जिस्म की चीर फाड़ कर रहा था। उसका बहुत ही बुरा हाल था मगर हैरत कि वो अभी भी जिंदा थी। इसके बाद वो उसकी मॉम को भी काफी बुरी तरह से मार देता है। फिर जब बच्चे हेलोवीन की चीज लेने आते हैं तो वो बच्चों को उस लड़की की मॉम के सर में कैंडीज रख कर देता है। बच्चे कुछ भी समझ नहीं पाते, उन्हें ये नकली सर लगता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। उधर हेलोवीन पार्टी में सियाना को अपने दोस्त की फिक्र हो रही थी क्योंकि अभी तक वो पार्टी में नहीं आई थी जबकि उसके बाकी दोस्त पार्टी में आ गए थे और अब वो डांस करने लगते हैं और काफी मजे कर रहे थे। सियाना के भाई को हम उसके कमरे में देखते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पार्टी में जाने नहीं दिया था। आर्ट के बारे में बताने के लिए वो अपनी मॉम को अपने डैड की वही किताब दिखाता है जिसे उसकी मॉम फाड़ देती है। वो अपनी मॉम से बदतमीजी करता है तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तो वो गुस्सा होकर अपने घर से निकल जाता है। जब उसकी मॉम बाहर आती है तो देखती है कि उनके बेटे ने सब कुछ खराब कर दिया है, यहाँ तक कि गाड़ी भी गंदी कर दी थी और उस पर अपनी माँ के लिए गाली लिख दी थी, जो देख उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। सियाना के भाई को वही वैन दिखती है जिसमें वो उसी अजीब सी बच्ची को बैठा हुआ पाता है। ये देखकर तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है और वो फौरन ही अपने घर की तरफ भाग जाता है। अब सियाना की मॉम गाड़ी साफ करने लगती है इस बात से अनजान होकर कि इसमें आर्ट बैठा हुआ है, जिसका साफ मतलब था कि गाड़ी का ऐसा हाल और किसी ने नहीं बल्कि आर्ट ने किया है। फिर जैसे वो शीशा साफ करती है अंदर आर्ट को बैठा हुआ देख लेती है, मगर कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर वो उनके सर पर गोली मारकर हट से ही अलग कर देता है। जब सियाना का भाई घर आता है तो देखता है कि आर्ट ने उसकी मॉम की बड़ी बुरी हालत कर दी है, उनके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दिया है, जिसके बाद आर्ट सियाना के भाई को भी पकड़कर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। पार्टी में डांस करते करते सियाना को वही अजीब बच्ची दिखती है जो उसे ही घूर रही थी, जो देख उसकी हालत खराब हो जाती है। वो काफी डर गई थी, इस वजह से सियाना के साथ साथ उसके दोस्तों को भी पार्टी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। सब नॉर्मल होने के बाद जब सियाना गाड़ी में बैठी थी तो उसके पास उसके भाई की कॉल आती है जो कहता है कि मैं एक पार्क में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम जल्दी से आ जाओ इधर। ये असल में और कोई नहीं बल्कि वही अजीब बच्ची थी क्योंकि सियाना का भाई तो बेहोश था और वो आर्ट के साथ ही थी। वो तो बस आवाज बदल कर सियाना से बात कर रही थी। कुछ वक्त के बाद वो लोग उस पार्क के पास पहुंच जाते हैं जहां सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाती है। तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है कि मैं टेरीफायर में फंस चुका हूं, यानी एक भूत बंगले में। तब उसे ढूंढने के लिए सियाना अंदर जाती है। गाड़ी में सियाना का दोस्त किसी वजह से बाहर आता है मगर तभी आर्ट उसे चाकू घुसाकर मार देता है। फिर वो उसके दोस्त को भी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, मगर वो आर्ट को टांग मारकर जैसी तैसी बच जाती है और यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक ऐसे कमरे में जाती है जहाँ चारों तरफ दीवारों पर खून लगा हुआ था। तभी इधर आर्ट भी आ जाता है और उसके चेहरे पर तेजाब डाल देता है जिससे उसका सारा चेहरा जलकर झुलस जाता है, चेहरे का बुरा हाल हो जाता है। फिर वो अपने तेज कीलों वाले हथियार से बार बार उसे मारकर बची हुई कसर भी पूरी कर देता है और उसे भी बड़ी बेरहमी वाली मौत देता है। तभी यहाँ सियाना भी आ जाती है और अपने दोस्त की इतनी बुरी हालत देखकर काफी डर जाती है। इधर आर्ट भी खड़ा था मगर इससे पहले वो सियाना को मारता पीछे से आ जाता है उसका भाई, जिसे देखकर सियाना यहाँ से भागने का कहती है और फिर आर्ट की टांग में एक लकड़ी घुसा देती है, मगर बेचारी की किस्मत खराब थी, वो उल्टा उसी से ही पिट जाती है। आर्ट उसे इधर उधर पटक पटक कर काफी मारता है।
सियाना का भाई जब यहाँ से भाग रहा होता है तो तभी आर्ट उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह उस पर वार करने लगता है। फौरन ही इधर सियाना आती है और कई बार आर्ट को मारकर उसे जख्मी कर देती है और अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन आर्ट उनका पीछा करते करते यहाँ भी आ जाता है। वो एक बार फिर सियाना के भाई को कैंची वाली तलवार से पीटने लगता है। सियाना उसे बचाने की कोशिश तो करती है मगर खुद भी काफी पीट जाती है। उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर कट्स लग जाते हैं जिसे जाहिर है उसे काफी तकलीफ होती है, मगर किसी तरह दर्द बर्दाश्त करके वो आर्ट से उसका हथियार छीन लेती है। जहाँ अब बाजी पलट जाती है क्योंकि अब वो आर्ट को बुरी तरह मार रही थी। फिर वो उसके सर में एक पाइप घुसाकर बुरा हाल कर देती है। लेकिन अगले ही पल वो उठता है और सियाना को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था मगर सियाना का भाई उसकी गन निकाल कर आर्ट को ही गोली मार देता है। तभी यहाँ वो बच्ची सियाना की मोम के रूप में आती है और उसकी आंखें बंद करके ये दिखाती है कि तुम्हारी मोम भी मारी गई है, जो देख सियाना की बची हुई हिम्मत भी खत्म होने लगती है। फिर वो देखती है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। फिर वो अपने भाई को ढूंढती है तो पता चलता है कि आर्ट उसे एक अलग ही जगह पर ले आया। अब जैसे ही सियाना आर्ट के पास आती है तो वो उसे धक्का देकर नीचे बेसमेंट जैसी जगह पर गिरा देता है, लेकिन वो मरती नहीं बच जाती है। तभी उसे नीचे एक जगह से कोई आवाज़ लगाने लगता है। इतनी ही देर में आर्ट उसके बहुत ही पास आके खड़ा हो जाता है और उसी जादुई तलवार से जो उसके डैड ने उसे दी थी सियाना को मारकर नीचे गिरा देता है। अब की बार सियाना एक शो में आके गिरी थी मगर वो एक शीशे के बॉक्स में बंद थी जिसमें पानी भरा हुआ था। वो यहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती और मर जाती है। उधर आर्ट सियाना के भाई को खाने लगता है मगर जैसे उसका भाई चिल्लाता है तो उस तलवार में एक जादुई रोशनी जलती है जिससे सियाना भी वापिस से जिंदा हो जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में भरे उस बॉक्स से बाहर आकर अपने डैड की तलवार से आर्ट पर हमला कर देती है और उसका सर ही धड़ से अलग कर देती है। और अब आखिरकार जाकर उस पागल जोकर आर्ट की मौत हो जाती है जिससे वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। मगर तभी इधर वो अजीब सी बच्ची आती है और आर्ट का सर उठाकर ले जाती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ विक्टोरिया जिसका चेहरा काफी भयानक था वो एक जगह पर बैठी होती है। कुछ ही वक्त के बाद वो आर्ट की सर को पैदा करती है बच्चे की तरह और उसे चाटने लगती है। आवाजें सुनकर नर्स जब वहाँ आती है तो वो डर जाती है ये देखकर कि उसकी गोद में आर्ट का सर है। साथ ही विक्टोरिया इधर काफी डरावना हंसने लगती है जैसे अब आर्ट की आत्मा उसमें आ गई हो। इसी के साथ ही इस फिल्म के दोनों पार्ट्स यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं।